हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं या फिर आप मैकेनिकल से हैं या फिर आप सीएस से हैं, सीएस के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल सीएस इलेक्ट्रिकल केमिकल और ऐसी ही सभी ब्रांचेस से हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही खास होने जा रही है। दोस्तों ये वैकेंसी कहाँ से आई है, किसके लिए आई है, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है BDL से, मतलब भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से। ये जो है BDL क्या है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना, और ये पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है। और ये जो है आपने सुना होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। जी हाँ, इसके साथ साथ आपसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वैकेंसी के बारे में तो बताऊँगा ही, लेकिन भाई अगर अभी तक किसी ने कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर नहीं मेंशन की है तो यार एक मिनट कर दीजिए ना, क्या ही जाएगा। और एज वेल एज कोई भी क्वेरी होती है आपकी, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑल अपडेट मिलती है। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये 100 पोस्ट्स के लिए है। और कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहने वाली है, ये दोस्तों ये फिक्स टर्म पे हो रही है, फिक्स टर्म पे प्रोजेक्ट इंजीनियर और ऑफिसर्स को हायर कर रहे हैं। कहाँ कहाँ होने वाली है, ये हैदराबाद में, तेलंगाना में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में, बन्नूर यूनिट में, और इन्हीं सब में रहने वाली है। इसके साथ साथ आंध्रा में और केरला में, मुंबई में पोस्टेड रहने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं इंजीनियर्स को, इन्होंने ज़्यादा रिक्रूटमेंट दी है। जहाँ आपकी तेलंगाना में रहेगी स्टेट जो है, तेलंगाना स्टेट में रहेगी और हैदराबाद में पोस्टिंग रहेगी, उसके लिए आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सीएस एचआर और फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलुरु में जिसकी पोस्टिंग रहेगी, बेंगलुरु में है इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मैकेनिकल की 2 है, सीएस की 2 है। ऐसे ही अगर आप तेलंगाना में हैं तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की 11, मैकेनिकल की 8, सिविल की 2, सीएस की 2, इलेक्ट्रिकल की 2, केमिकल की 6। इसी के साथ साथ अगर आपका आंध्रा में विशाखापट्टनम यूनिट के लिए आप हायर हो रहे हैं तो आपका सीएस में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 और मैकेनिकल में 4 और ह्यूमन रिसोर्सेज में 4 में 2 और फाइनेंस में 1। ऐसे ही कोची केरला के लिए भी सीएस के लिए है और मुंबई महाराष्ट्र के लिए मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है। टोटल 100 वैकेंसीज निकल के आ रही है। दोस्तों इसमें रिजर्वेशन भी है, जैसे कि आप एनसीबी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ सभी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको मैं बता दूं कि मैकेनिकल पोस्ट के लिए इन्होंने BE BTech आपका होना चाहिए दोस्तों, और उसकी जितनी भी सिमिलर ब्रांचेज है। सिमिलर ब्रांचेज कैसे होती है, जैसे कि मैकेनिकल की सिमिलर होती है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन होती है, मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल होती है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होती है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जितनी भी सिमिलर ब्रांचेज होती है आप यहाँ एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड इन्होंने की है, मतलब एक्सपीरियंस ना के बराबर चाहिए, बिल्कुल फ्रेशर भी के टाइप ही चाहिए। तो इसलिए 1 ईयर का आपका अप्रेंटिस जो एक्सपीरियंस है वो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आपका अप्रेंटिसशिप में हो, इंटर्नशिप में हो, 1 ईयर का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपसे क्या मांगा गया है जी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग असेंबली ऑफ सिस्टम ऑफ सब स्टेशन प्रोडक्शन, ये मतलब ये काम आना चाहिए। इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स, मतलब देखिए BOQ बिलिंग ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटी, ये तो आपको आना ही आना चाहिए किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप सिविल में हो या मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो, ये तो आपको मैंडेटरी आना ही आना चाहिए। पोस्ट क्या रहेगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BE BTech आपका चाहिए। इसके साथ साथ कौन कौन सी ब्रांचेज इन्होंने यहाँ दी है जी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया दिया है। इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी इलेक्ट्रिकल की सिमिलर ब्रांचेस, केमिकल वालों के लिए भी केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, इसी के साथ साथ सिविल वालों के लिए भी OCS वालों के लिए भी CS चाहिए और सिविल वालों के लिए भी सिविल। और इन्होंने बोला है कि भाई जो भी सिमिलर ब्रांचेज है, सिमिलर ब्रांचेज कौन सी होती है, जैसे कि आपकी आर्किटेक्चर हो गई, तो ये सभी यहाँ एलिजिबल हैं। इनडायरेक्टली सभी के लिए है, प्रोजेक्ट ऑफिसर मार्केटिंग वाला के लिए आपका MBA होना चाहिए, और ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ ये वैकेंसी में आपको पैसा कितना मिलने वाला है दोस्तों, ये जो वैकेंसी रहेगी ये फिक्स टर्म पे रहेगी 4 साल के लिए, ठीक है।
पीरियड ऑफ वन ईयर, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है वन ईयर के लिए है, लेकिन आपका बढ़ा के 4 साल कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, ये BDL में मैंने आज तक कोई बंदा बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। इसलिए याद रखिएगा कि भाई आपको जो यहाँ मिलेगा बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलेगा, और नहीं निकालेगा कोई भी, वो भूल जाइए। फर्स्ट ईयर आपके 30,000 रहेंगे, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36 और फोर्थ ईयर 39। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट एज पर ईयर पेड बाय टूवर्ड्स एक्सपेंसिव लाइक मेडिकल पर ईयर, दोस्तों 10,000 आपको अलग से दिए जाएंगे पर ईयर आपको एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस के लिए। दोस्तों इसमें क्राइटेरिया क्या है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा? दोस्तों इसमें जो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में जितने भी आपके आज तक मार्क्स आए हैं, तो ये उसके बिहाफ पे आपके 75 मार्क्स होंगे, मतलब आपका जितना भी आपका डिसिप्लिन आया है। इसके साथ साथ आपका जो एलोकेशन ऑफ मार्क्स, 10 नंबर होंगे आपके मार्क्स के और एक्सपीरियंस के बेस पे आपने कितना किया है, और 15 मार्क्स होंगे आपके इंटरव्यू बेस्ड पे। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो इनडायरेक्टली एग्ज़ाम कोई किसी तरीके का नहीं है, खाली डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो आपने देख ही लिया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। इनकी कब है, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है? दोस्तों ये जो फॉर्म आपको यहीं से मिल जाएगा, आप यहीं से देख सकते हैं, ये जो है इनकी वेबसाइट पे यहीं से आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में अटैच कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको कहाँ कहाँ इंटरव्यू देने जाना है, यहाँ आपको इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू वेन्यू सब मेंशन है, जाके आप देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर जाइएगा। कोई भी तरीके का कोई फीस नहीं लग रही है, यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों? इसकी लास्ट डेट है 23/6 तक इसको आप सबमिट कर सकते हैं। अभी 24 तारीख को ही आया है, माफ़ कीजिए। इसमें एग्ज़ाम फीस भी है, इसमें 300 का आपको पेड करना होगा जो आपको फॉर्म फीस है, और इसका लास्ट डेट्स आपको सामने आपके मेंशन हो ही रही हैं, तो इसी के हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।